अज की इस बहुत ही इंपोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच पहुंचन दे उपर बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नू। अज जिस इशू के उपर आपां विचार चर्चा करन जा रहे हां, अज आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब की अगवाई दे विच बणिया नू 7 महीने पूरे हो चुके ने। वह 7 महीने जिन्हां दी शुरुआत सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की पवित्र धरती खटकड़ कलां तो उत्थों की पवित्र मिट्टी नू अपने मत्थे दे नाल ला के शुरुआत की सीगी 16 मार्च नू, ते अज 7 महीने पूरे होने उपरंत उन्हां दियां ते उन्हां दियां सरकार दियां उपलब्धियां जिहड़ियां कि बेइंतहा ने, उन्हां नू तुहाडे और तुहाडे जरिए पंजाब दे सन्मुख रखण दे लई अज तुहाडे रूबरू हो रहे हां। साथियों, पिछले 70 सालों के जो होया वो किसी तो लुकया नहीं होया हैगा, ते उस दा खमियाजा वड्डियां रवायती पार्टियां ते वड्डे वड्डे धुरंधर जिहड़े अपने आप नू पंजाब दा रैबर कहा करदे सीगे, चाहे वह अकाली दल दे सी, कांग्रेस दे सी, बीजेपी दे सी, जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां नू उन्हां नू धूड़ चटा दित्ती उन्हां धुरंधरां नू, उस तो बाद मान साहब दी पारी की शुरुआत हुई, तो अज यह पहली बारी हो रहा है कि 7 महीनों के अचीवमेंट्स की झड़ी है जिहड़ी वह लगी हुई है। अज सब तो वड्डी अचीवमेंट मैं समझदा कि भगवंत मान जी की और उन्हां दी सरकार की यह है कि जिहड़ा पंजाब दे लोकां दे मनां दे विच एक गल परपक्क हो चुकी सी, घर कर चुकी सी कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सरकार, कोई लीडर ईमानदार ही नहीं हो सकता हैगा, उस धब्बे नू उस दाग नू मटेण दे विच भगवंत मान जी और उन्हां दी सरकार 100% कामयाब हुई है। ये पहली बारी होया है कि एंटी करप्शन हेल्पलाइन दी एक नंबर है जिहड़ा वह जारी किया गया है, ते उहदे उपर लखां कंप्लेंट्स ने जिहड़ियां वह आईयां ने उन्हां दे उपर काम होया कली कली कंप्लेंट दे उपर, ते अज 212 भ्रिष्टाचारी, चाहे वह कोई सियासतदान सी, एक्स MLA एक्स मंत्री सी, चाहे वह कोई अफसर सी, चाहे कोई छोटे तो छोटा वड्डे तो वड्डा जिहड़ा भी कोई भ्रिष्टाचारी जिहड़े पंजाब दे दे हक्कां दे उपर डाका मारन की कोशिश की, लोगों नूं लुट्टण की, वह अज 212 तो भी वध ने जिहड़े वह पंजाब दे जेलां दियां हवा जिहड़ियां वह खा रहे ने। इसे तरीके दे नाल साथियों, पिछले 70 सालों के पंजाब दे लोकां ने यह तो देखिया सुनिया होएगा कि लीडर किस तरीके दे नाल लोकां दे पैसे दे नाल सरकार दे खजाने नूं लुट के आपदा घर भरते ने, पर इन्हां 7 महीनों के भगवंत मान जी की सरकारी सरकार के तहत यह पहली बारी होया कि लीडरां दीआं जेबां दे विचों पैसा कढ के पंजाब दे खजाने दे विच जमा कराया गया होवे। तुहाडे याद होएगा एक MLA एक पेंशन, असी चोणां तो पहला भी बड़ी बुलंद आवाज़ दे नाल क्या करदे सीगे सरकार बंड सर, भगवंत मान जी ने इहदे उपर बड़ी सख्ती दे नाल फैसला लिया, कांग्रेसियां अकालियां नूं विधानसभा दे विच तुसीं विटनेस हो उस गल की तकलीफ भी बहुत हुई, पर अज एक MLA एक पेंशन जिहड़े कि कई MLA इहो जिहे सीगे कि 8-8 7-7 वारी 10-10 वारी रह चुके सीगे, वह 4-4 5-5 लख तक पेंशन घरे बैठे हारे हुए ले जाते सीगे, उन्हां दी जेबां दे विचों पैसा कढ के भगवंत मान जी ने पंजाब दे खजाने दे विच लिआंदा, ते तुहानूं इह जाण के खुशी होगी, पंजाबियों नूं 3 करोड़ पंजाबियों नूं माण महसूस होगा कि उन्हां ने दे मुख मंत्री ने 5 सालां दे विच 100 करोड़ रुपया जिहड़ा वह इन्हां लीडरां दी जेबां दे विचों कढ के 5 सालां दे विच पंजाब दे खजाने दे विच लै आउणा है। इसे तरीके दे नाल इही पैसा जिहड़ा कि लीडर और अफसर लुट्टिआ करदे सीगे, ते वह पंजाब दे शहीद जिहड़े देश वास्ते पंजाब वास्ते अपनियां जानां गवाउंदे ने उन्हां नूं कख नहीं मिलदा सीगा, इही पैसा उन्हां शहीद जिहड़े फौजी ने जिहड़े फौज दे कर्मी ने जां पुलिस दे कर्मी ने उन्हां नूं 1 करोड़ रुपया जिहड़ा उहदी राशि है जिहड़ी इह पहली वारी हो रही दिल्ली तों बाद पंजाब दे विच पहली वारी होया 75 सालां दे विच 1 करोड़ दी राशि जिहड़ी उन्हां नूं मिले। इसे तरीके दे नाल साथियों,
खेती प्रधान सूबा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था है वह सारी की सारी खेती के उपर निर्भर करती है। हुण तक दियां सरकारां ते हुण तक दे लीडर चाहे वह दिग्गज लीडर अकाली दल दे सी चाहे कांग्रेस दे सीगे, वह आपदे आप नूं किसानां दा मसीहा ते किसानां दा रहिबर दा जिहड़ा टैग तां दिंदे रहे, फतवा तां आपदे आप नूं दिंदे रहे, पर पंजाब दे किसानां दी बांह कदे किसे ने नहीं फड़ी हैगी। पर जिस दिन दी भगवंत मान जी दी आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है, असी इह पहली वारी होया है कि कणक झोने की फसल के उपर MSP जिहड़ी कि केंद्र वालों दी जाती है लंबे समय तो, उहनू छड्ड के पंजाब सरकार ने पहली वारी तीजी फसल के उपर मूंगी के उपर MSP है जिहड़ी वह दिती 7250 रुपए, और नाल इहदा भी प्रोविजन किया कि जे कोई 7250 रुपए तो घट वेचदा तो मैक्सीम 1000 रुपए प्रति क्विंटल का डिफरेंशियल अमाउंट तां कि उस किसान भरा नूं नुकसान ना होवे, उहदा डिफरेंशियल अमाउंट है जिहड़ा वह सरकार आपदे वल्लों पे करदी है, जिस दे तहत हुण तक तकरीबन 4,90,000 क्विंटल है जिहड़ी वह मूंगी प्रक्योर हो चुकी है। 54,000 एकड़ तो वधा के इस इनिशिएटिव के तहत जिहड़ा मूंगी के तहत रकबा है वह 1,29,000 एकड़ एको ही साल दे विच सरकार बनते सारी जिहड़ा कर दिता गया, जिहड़ा कि बहुत वड्डी अचीवमेंट है। इस तरीके दे नाल पंजाब पंज दरियावां दा पंजाब जिहड़ा कि रेगिस्तान बनने वाले पासे वल वध रहा बड़ी तेजी दे नाल, उहदे पाणी नूं बचाउण दे लई एक नायाब उपराला वह भगवंत मान जी की सरकार ने किया, डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि सीधी बिजाई झोने की वो तहत इनिशिएटिव लिया गया, तो अज तकरीबन 26 करोड़ रुपए के करीब DSR की अमाउंट टोटल बनती है जिन्हें किसानों ने सीधी बिजाई की, जिदे 15 करोड़ है जोड़ा वो जारी हो चुके, बाकी वेरीफिकेशन के नाल नाल वो भी कंप्लीट है जोड़ा हो जाएगा, पर अज तक इन्हों किसानों के मसीहा ने कदे इस बारे सोचा भी नहीं, जो कदे कोई किसानों का तो कदे कोई पानिया के आपदे आप राखा कहते सके। इस तरीके साथियों किसानों की सुविधा के लिए उन्होंने मोटर के कनैक्शन जोड़े कि कई बार ओवरलोड चल दिया 4750 रुपए पर हॉर्स पावर के हिसाब न जो पैसे ले जाते थे बिजली बोर्ड वालों, वो घटा के 2500 रुपए किया गया, जिस दे नाल किसान भरावां दे 170 करोड़ ने उहदी सेविंग हुई, तो 1,87,000 किसान भरावां नूं इहदा सिद्धम सिद्धा बेनीफिट है जिहड़ा वो होया। अज तक तुसीं इह हॉर्स पावर के लोड रेट्स ने जिहड़े तुसीं वाधे तां देखे सुने होणगे, पर घटदे शायद पहली वारी वो देखे ने भगवंत मान जी सरकार के तहत। इस तरीके किसान भरावां की गल कर लिए, गन्ने काश्तकारां की गल कर लिए, गन्ना मैं समझदा कि जिहड़ा किसे समें दे विच पंजाब दी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल होया करदा सीगा, पर समय समय दीआं सरकारां ते जिहड़े प्राइवेट शुगर मिल ओनर्स ने जिहड़े कि अकाली कांग्रसी ने मोतबर अकाली कांग्रसी ने उहनां दी आपस की मिलीभुगत करके पंजाब दे विचों गन्ने की फसल गायब हुंदी गई, बाकियां स्टेटां सारियां अगे निकल दियां गईयां, हरियाणा साडे नालों अगे निकल गया। अज तो 7 महीने पहला पंजाब दे जिहड़े रेट सीगे गन्ने दे शुगर केन दे ओ घट सीगे, पर अज इह दसदे होए खुशी हुंदी है कि भगवंत मान जी की सरकार ने 380 रुपए प्रति क्विंटल जिहड़ा कि अज की तारीक दे विच पूरे देश दे विच पूरे मुल्क दे विच सब तो वध रेट जे किते है तां ओह पंजाब दे विच है। भगवंत मान जी की सरकार का एक बेहद नायाब उपराला है किसानां दी बांह फड़न दे लई और पानी नूं बचाउण दे लई। सो इसे तरीके दे नाल साथीओ पिछले समय दे विच तुसीं देखिया होएगा इलैक्शनां तों पहलां अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब दे लोकां दे नाल वादा कीता सीगा कि 300 यूनिट बिजली जिहड़ी हर परिवार नूं मिलेगी, कांग्रसी ऐलान तां करदे रहे, चन्नी साहब उन्होंने बोर्ड भी बहुत वड्डे वड्डे लवाए और एक सिर्फ एक चुनिंदा वर्ग नूं दिता गया, पर भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली है जिहड़ी हर महीने यानी कि 600 यूनिट हर बिलिंग साइकिल दे विच दित्ती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन दित्ती है, और इहदे नाल इन्हां गर्मी दे महीनों के भी तकरीबन 50 लाख प्लस परिवारों को बेनीफिट होया, तो आने वाले समय के सर्दियों के महीनों के यह बेनीफिट है जिहड़ा 72 लाख कंज्यूमर्स के 60 लाख कंज्यूमर्स नूं भी वध बेनीफिट है जिहड़ा वह होने जा रहा है। ये एक बेहद मैं समझदा कि नायाब उपराला भगवंत मान जी की सरकार का हरे पंजाब के हरेक आम घर नूं देण दे लई। साथियों
नौकरियां तो बिना किसी स्टेट का काम नहीं चल सकता, स्टेट और समाज उसके बिना रिवाइव नहीं हो सकता। लंबे समय तो आप देखते आए कि जो चोणा सिरते ने उदों सरकारां ने जिहड़ियां 3-4 महीने पहला या 6 महीने पहला मैक्सीमम प्रोसैस शुरू कर दियां सीगियां, ते फिर एंड दे विच आके चोणां दे नेड़े आके इन्नी तत्थ पड़त्थी दे विच काम कीता जांदा सीगा कि ना तो प्रोसैस नौकरियां देण दा सिरे चढ़दा सीगा, और जे चढ़दा भी सीगा तां हाई कोर्ट दे विच क्योंकि काली च काम करदे सीगे पहले 4.5 साल सुत्ते रहिंदे सीगे, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8736 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 8736 ਕੱਚੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 18,543 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ।